जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक न्यूज निकल कर आ रही है, देखिएगा क्या है। अधूरी जानकारी दे रहा है ESB यानी कि कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश का। परीक्षाओं का प्रस्तावित महीना जारी, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी परीक्षाएं जो है अटकी पड़ी हुई हैं, उनकी परीक्षाओं की तारीख जो है नहीं दी गई है। महीना प्रस्तावित कर दिया अगस्त, अगस्त में बहुत सारे एग्जाम कराने हैं, लेकिन अभी तक जो है तारीख नहीं बताई है। तो देखिएगा, इसी के विषय में आपके लिए एक न्यूज निकल कर आई है। तो वो लेकर आए हैं क्या है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB की परीक्षाएं के जो कैलेंडर जारी कर रहा है, उसमें केवल प्रस्तावित महीना दिया जा रहा है। मंडल है तय ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं की तारीख तय न होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, और परीक्षाएं जो है समय पर नहीं होती, इस वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी ओवर एज होने के संकट पर रहते हैं। खास बात यह है कि ESB ने जो है टेंटेटिव मंथ दिया है और वेबसाइट पर डेट लिखी है। ESB ने हाल ही में 13 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इनमें से दो एंट्रेंस टेस्ट, एक एक चयन परीक्षा और एक पात्रता परीक्षा, और शेष जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम शामिल हैं। बोर्ड ने किसी भी परीक्षा की तारीख अभी तक जो है घोषित नहीं की है। जी हाँ, आप सभी के लिए यहाँ पर बता दें, जुलाई की परीक्षाएं कब होंगी पता नहीं। जुलाई में भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि होनी है, लेकिन अभी तक जो है डेट नहीं आई है। और महीना जो है जुलाई बताया, लेकिन अभी तक इसके लिए रूल बुक या विज्ञापन भी जारी नहीं किया है। इधर अभ्यर्थियों का कहना है कि ESB उन्हें अंधेरे में रखा रहा है और महीना बताया जा रहा है, लेकिन जो है तारीख नहीं बताई जा रही है। विज्ञापन नहीं तैयारी में भी समय लगता है। आमतौर पर विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा होने के 1.5 महीने का समय लगता है। जी हाँ, ऐसे में अब तक ESB ने परीक्षाओं संबंधित कोई रूल बुक या विज्ञापन जारी नहीं किया। इस वजह से जुलाई में भी ये परीक्षा होना मुश्किल है, लेकिन आधा जुलाई बीत चुका है और रूल बुक जारी जो है अभी होती है, तो अगस्त अंत में भी परीक्षाओं का होना जो है मुश्किल लग रहा है। विभाग की सहमति के बाद विज्ञापन देते हैं। जहाँ इधर मंडल विभाग के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि संबंधित विभागों से सहमति मिलने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जाते हैं, इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। इस वजह से परीक्षा का समय जो है प्रस्तावित महीना दिया गया है, तय तारीख अभी नहीं दी गई है। सब कुछ निर्धारित हो जाएगा जबकि विभाग से सहमति के बाद ही जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा। ये जो है महत्वपूर्ण खबर है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो साकेत मालवीय डायरेक्टर हैं ESB के, क्या कह रहे हैं, हमारी कोशिश ही परीक्षाओं का आयोजन समय से किया जाए। जून में दो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, प्रयास रहेगा कि जुलाई की परीक्षा अगस्त में कर ली जाए। कई विभागों की सहमति के बाद जो है ये परीक्षाएं होंगी। तो अभी जो है मंत्र जो है बता दिया है जुलाई या अगस्त। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी एक परीक्षा, कौन सी, शिक्षक भर्ती की मध्य प्रदेश चयन परीक्षा होनी है, जिसकी जो है डेट अभी नहीं बताई है, लेकिन क्या बता दिया है कि महीना बता दिया कि अगस्त माह में होनी है। अगस्त माह में होनी है, लेकिन अभी तक कोई रूल बुक या विज्ञापन जारी नहीं किया है। जबकि अगर अभी जो है विज्ञापन जारी होगा, जैसे कि आज विज्ञापन होगा, तो आज जो है 18 तारीख, 18 तारीख से अगर विज्ञापन जो है जारी होता है, तो 1.5 महीने, 1.5 महीने के बाद ही पेपर लिया जाता है। 1.5 महीने जो है दिए जाते हैं, यानी कि 45 दिन मिलते हैं तैयारी के लिए। तो जैसे आज विज्ञापन जारी होगा, तो फिर 45 दिन बाद तो पूरा अगस्त तो निकल जाएगा। इस प्रकार जो है अभी ये जो है, इस प्रकार अगर अपन अनुमान लगाएं तो अगस्त में होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखते हैं। अगस्त, इन लोगों ने बता दिया कि अगस्त में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है। देखते हैं क्या होता है, अभी 1-2 दिन में या विज्ञापन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके संबंध में जो भी जानकारी आयोग के द्वारा आएगी, तो हम आपके लिए सबसे पहले जो है उस जानकारी से अवगत कराएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।